सब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के विरोध में आज यानी रविवार को महाविकास अघाड़ी ने मुंबई में प्रदर्शन किया। इसे जूतों मारो आंदोलन नाम दिया गया था। महाविकास अघाड़ी ने साउथ मुंबई के तात्मा चौक से गेटवे ऑफ इंडिया तक पैदल मार्च निकाला। इसमें उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, शरद पवार, सुप्रिया सुले, नाना पटोले समेत एमबीवे के कई बड़े नेता शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान उद्धव ठाकरे ने सीएम सिंधे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के पोस्टर पर चप्पल मारी। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की माफी अहंकार से भरी हुई थी। वहीं शरद पवार ने कहा कि मूर्ति गिराना भ्रष्टाचार का एक उदाहरण है। इस पूरे मामले पर जबरदस्त विरोध और प्रदर्शन हो रहा है। चलिए हम आपको सुनवा रहे हैं क्या कुछ कह रहे हैं वहां पर पहुंचे कार्यकर्ता और नेता। शिवाजी महाराज ये महाराष्ट्र की अस्मिता है, स्पिरिट है, और मुझे लगता है कि इसको ठेच पहुंचने का काम इस घटना से घटी है और लोकशाही लोकतंत्र के माध्यम से यह जो आज जो निषेध मोर्चा किया जा रहा है वो एक लोकशाही का एक भाग है और इस तरह से परमिशन न देना ये भी लोकशाही का गला घोटने का काम है। तो सरकार ने इस तरह से गला घोटने का काम नहीं करना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। परमिशन भी देना चाहिए और लोकशाही से अपने अपने मुद्दे व्यक्त करने का। तो अभी क्या कर सकते हैं हम सही मार्ग से वहां तक जाएंगे। हम कोई हिंसा करने वाले लोग नहीं है, हम सिर्फ हमारी भावना व्यक्त कर रहे हैं। महाविकास अघाड़ी प्रोटेस्ट किसके लिए कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। इस धरती की शान, महाराष्ट्र की शान, इस मिट्टी को छत्रपति शिवाजी की मिट्टी करके जाना जाता है, छत्रपति शिवाजी महाराज की मिट्टी करके जाना जाता है। उनका पुतला दह जाता है और इन्हें इसकी जरा भी शर्म नहीं है। कह रहे हैं कि राजनीति मत करो और वो पुतला ढह गया है उसके समर्थन में अगर ये भाजपा वाले और ये बाकी सारे लोग अगर ये कर रहे आंदोलन कर रहे तो शर्म आनी चाहिए। 13 करोड़ जनता इस महाराष्ट्र की माफ नहीं करेगी। ये बता रहे हैं कि पंत प्रधान मोदी जी ने माफी मांगी, वहां 1000 लोगों के सामने मुट्ठी उठा के माफ भी नहीं मांगते। ये महाराष्ट्र की धरती छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है, शाहू फुले अंबेडकर की धरती है। वहां से हेलीकॉप्टर लेके उधर क्यों नहीं गए मालवन में, वहां मत्था टेकना चाहिए। जहां पुतला ढह गया था वहां मत्था क्यों नहीं टेका? ये हिंदुस्तान के मालिक है क्या नरेंद्र मोदी? फिलहाल आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें। रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।